हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, कल के गेम में जो है वो हमने देखा 2-2 जो है वो ड्रॉ हुआ था बार्सिलोना वर्सेस ओसासुना। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अपने सेंटीमेंट्स सेगन को लेकर के। काफ़ी ज़्यादा बैकलैश देखने को मिल रहा है उस बंदे को। साथ ही साथ गेम के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, हिट्स एंड फ्लॉप्स कि भाई साहब कौन अच्छा था कौन खराब था, क्या खराबी है बार्सिलोना की टीम में, उसके ऊपर भी थोड़ा नज़र डालने की बात करेंगे ऑफकोर्स। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं वन फुटबॉल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। वन फुटबॉल सबसे बेहतरीन ऐप है हर एक फुटबॉल फैन के लिए। अगर भाई साहब फुटबॉल फैन हो तो वन फुटबॉल ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि तुमको दुनिया जहां की फुटबॉल न्यूज़ वन फुटबॉल ऐप दे देता है। साथ ही साथ तुमको लाइव मैचेस के लाइव स्कोर्स देखने को मिल जाएंगे, टीम शीट देखने को मिल जाएगी, स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे। वन फुटबॉल यार बहुत प्यारा ऐप बनाया गया है सभी फुटबॉल फैंस के लिए, डाउनलोड करें अभी के अभी। सबसे प्यारी बात, ऐप है फ्री, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो। और भाई साहब QR कोड स्कैन कर लेना अगर तुम डेस्कटॉप या लैपटॉप से देख रहे हो तो, डायरेक्ट डाउनलोड कर लो यार। देखो, तुम डाउनलोड कर चुके हो नहीं कर चुके हो मुझको फर्क नहीं पड़ता है, तुमको फिर से डाउनलोड करना है भाई के लिए, ठीक है। एनीवे, सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को प्लीज गाइस। व्हाट द फक इज दिस यार, वी आर लाइक 25K सब्सक्राइबर्स, कब अबे पार करवाओ यार ये यार 25K, बहुत मेरा आंख दर्द गया भाई देखते देखते यार। कम ऑन यार गाइस, कम ऑन, निकल ले भाई तू। हां चल भाई, चल निकल ले भाई, निकल निकल अरे निकल। दिस इज़ द सेंटिमेंट ऑफ बार्सा फैंस आफ्टर वॉचिंग टेर स्टेगन अभी कुछ मैचों में, ठीक है। अब देखो यार, सीन ऐसा है कि बीइंग अ बार्सिलोना फैन माई सेल्फ, मैं टेर स्टेगन का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं टेर स्टेगन को पिछले सीजन, उसके पिछले सीजन डिफेंड करते आया हूँ, एंड राइटफुली डिफेंड करते आया हूँ। राइटफुली इसलिए क्योंकि दैट गाय सेव्ड बार्सिलोना फ्रॉम मैनी ह्यूमिलेशन, छोटे छोटे टीम्स के खिलाफ भी। दैट गाय वॉज द अनदर सुपर स्टार प्लेयर बिसाइड लियोनेल मेसी। मेसी के अलावा अगर बार्सिलोना में कोई अच्छा खेल रहा है पिछले सीजन और उसके एक पिछले सीजन, भाई साहब वो टेर स्टेगन ही है। नाउ द थिंग इज कि हाँ, उसके परफॉर्मेंस में डाउनफॉल देखने को मिला है, एंड दिस सीजन इज वन ऑफ हिज वर्स्ट सीजन बार्सिलोना के करियर में। बट यू नो व्हाट, बीइंग अ गोलकीपर माई सेल्फ, नहीं मैं कब गोलकीपर बन गया बेंचोन, बींग अ फुटबॉल वॉचर फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, तुम पता हर एक प्लेयर एक डाउनग्रेड में जाता है, हर एक प्लेयर का फॉर्म डिप होता है। ऑफकोर्स लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को छोड़ करके हर एक प्लेयर का फॉर्म जो है वो डिप होता है। लेकिन बात ये होती है ना, जब उस प्लेयर का फॉर्म डिप होता है ना, तो उसकी गेम में ऑफकोर्स उसकी इंडिविजुअल गेम में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क दिखती है, बट उसकी गेम की डिपनेस को अलग प्लेयर्स जो हैं वो संभाल लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा एक स्ट्राइकर जो है उसकी फॉर्म डिप हुई है, बट स्टिल तुम्हारी टीम गोल मार लेगी क्योंकि तुम्हारे पास विंगर्स, तुम्हारे पास मिडफील्डर्स है जो शायद स्कोर कर पाए। बट गोलकीपर का जब फॉर्म डिप होता है ना, तो सारी नजरें उसके ऊपर चली जाती है, क्योंकि यहां गोलकीपर को कोई बचाने वाला नहीं है। अगर एक मिडफील्डर का फॉर्म डिप है तो दूसरे मिडफील्डर्स तुम्हारी टीम को शायद जितवा दे, गेम चलवा दे, लेकिन अगर गोलकीपर का फॉर्म डिप होता है ना, तो भाई साहब पूरी नजरें जो है वो गोलकीपर के ऊपर रहती कि अरे ये देखो इसने तो शॉट नहीं बचाया, इसने ये नहीं करी वो नहीं करी। कल के गेम में ऑफकोर्स पहला शॉट जो था, पहला गोल जो बार्सिलोना ने खाया था, दैट गोल मैं नहीं मानता कि उसको टेर स्टेगन रोक पाता या कोई भी वर्ल्ड क्लास गोलकीपर रोक पाता, क्योंकि वो हेडर जो था वो बहुत ही बेहतरीन हेडर था। वहाँ डिफेंडर्स की गलती थी, उसको अनमार्क्ड छोड़ा अराउगो की तरफ से। ऐसी गलतियाँ होती हैं, मैं बहुत रेयरली देखता हूँ, एंड कल एक वो गलती थी, अराउगो स्लिप से हो गए वो गोल की, वो स्ट्राइक हेड से, बहुत ही प्यारा स्ट्राइक था एकदम फार पोस्ट कॉर्नर के, नो बडी एक्सपेक्टेड इट टू हैपन, और बहुत अच्छी शॉट था, पावर बहुत अच्छा था। बट दैट सेकेंड शॉट गेम आई नो थोड़ा सा वो गोलकीपर्स के लिए मुश्किल था। मुश्किल इसलिए क्योंकि कई सारे डिफेंडर्स सामने थे, आपकी विजिबिलिटी जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड थी ऑफ कोर्स ऑफ द डिफेंडर्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मोर ओवर थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ डिफ्लेक्ट हुआ था उमटीटी के पैर से, एंड थर्ड ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत तेज शॉट मारा था यार उसने, तो कोई एक गोलकीपर के लिए रोकना वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था। बट टेर स्टेगन जैसे गोलकीपर से जो अपनी स्टैंडर्ड यहाँ पे ऑलरेडी सेट कर चुका है, उससे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो शॉट रोकने के लिए, बट ऑफ कोर्स वो हुआ नहीं। मोर ओवर स्टैट्स आर आल्सो नॉट ऑन हिज साइड। स्टैट्स ये कह रहे हैं कि टेर स्टेगन ने लास्ट 7 मैचेस से जो है वो 6 गोल कंसीड कर चुके हैं, लास्ट 7 शॉट्स में से 6 शॉट्स जो है वो कंसीड कर रहे हैं, ऐसा करके कुछ एक गंदा सा स्टैट जो टेर स्टेगन को ऐसा दिखा रहा है कि भाई साहब इससे घटिया गोलकीपर तो पूरे देश में नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों, टेर स्टेगन ने बचाया भी है बार्सिलोना को। अपने दिल पे हाथ रख के कह दो कि वो
बायन वाले गेम में हम तीन ही गोल खाने वाले थे। देयर वेयर कपल ऑफ चांसेस क्रिएटेड जिसमें गोल पड़ सकता था, बट टर्स्टेगन ने रोका था। एक आध दो गेम थे ला लीगा की इससे पहले भी, ये जो सोने वाला गेम हुआ है बेटिस वाले गेम में, ही सेव्ड अस। एक आध दो गेम और थे उसमें भी टर्स्टेगन ने इस सीजन बचाए हमको। तो थोड़ा सा फॉर्म डिप हुआ है, बट बीइंग अ बार्सा फैन जो टर्स्टेगन की गुड मूवमेंट्स में साथ था, मेरे ख्याल से यहाँ पे भी साथ होना पड़ता। ऑल दो तुम कहीं ना कहीं कह सकते हो कि टर्स्टेगन के चलते टीम सफर कर रही है, बट डिफेंडर्स के डिफेंडर्स का भी उतना ज़्यादा जो है मेरे ख्याल से मैं वो कह सकता हूँ कि हाथ है उसमें। डिफेंडर्स भी साथ नहीं दे रहे हैं टर्स्टेगन का। पीके कुछ गेम्स में बहुत अच्छा दिख जाता है, बट कुछ गेम्स में नहीं अच्छा दिखता है। राउवो लेटली ऐसा लगता है राउवो के ऊपर कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो वो प्रेशर संभाल नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है, डोंट रियली नो। बट राउवो की तरफ से भी थोड़ी सी मोड़ी गलतियाँ नज़र आ रही है। ऑल दो ही इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्लेयर ऑन द पिच फॉर बार्सिलोना, इसमें कोई डाउट नहीं है पिछले कुछ गेम्स में, बट जब बॉल आती है ना डिफेंड हमारे, मतलब हमारे बॉक्स में जब बॉल आती है ना, जब हमको डिफेंड करना पड़ता है ना, सब प्लेयर्स बहुत घबरा से जाते हैं। ऐसा लगता है कि इनके पसीने छूटने लग गए भाई, इनके ना हाथ में पसीना आ गया होगा, अब एकदम धक 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 हो गए होंगे। हर एक टच में नर्वसनेस नज़र आती है, फर्स्ट टच में भी नर्वसनेस नज़र आती है, क्लियरेंस में भी नर्वसनेस नज़र आती है, पासेस एक्यूरेट होना बंद हो जाते हैं, हमारे प्लेयर्स नर्वस हो जाते हैं जब भी हम एक गोल को जो है वो डिफेंड कर रहे होते हैं। साला दो गोल भी डिफेंड कर रहे होते हैं तो भी नर्वस हो जाते हैं, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। हमारी पासेस अच्छे नहीं होते हैं जब हम प्रेशर में रहते हैं। तो मिडफील्डर्स की तरफ से भी मैं कल देखा यार, जब हमारी मिडफील्ड बहुत चोक हो रही थी ना, ये पासेस अड़ा रहे थे। एंड दिस इज बार्सिलोनास मिडफील्ड, दे आर नोन फॉर पासेस, फॉर क्रिएटिंग पासेस। भाई साहब आपको पासेस बनाने पड़ेंगे यार, बट स्टिल आपके पास पासेस नहीं है। आप पासेस मिसप्लेस कर रहे हो जिसके चलते आप पोजीशन खो रहे हो यार इन द मिडिल ऑफ द पिच, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट ये नर्वसनेस है हमारे प्लेयर्स की तरफ से जिसके चलते मेरे ख्याल से टीम ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, गोलकीपर ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। टॉकिंग अबाउट टू ऑफ द गोल्स विच वर स्कोर्ड इन यस्टरडेज़ गेम, भाई साहब ब्यूटीफुल गोल्स। अब मैं ये कह सकता हूँ कि तुम देखो, कल एक असिस्ट, दोनों गोल हमारे यंगस्टर्स की तरफ से आया है। हमारे ये जो वेटरन्स हैं, हमारे ये जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, दे आर गिविंग नथिंग टू द टीम, टू बी रियली ऑनेस्ट। टॉकिंग अबाउट सैमुएल उमटीटी जिसने कल एक कमबैक करा था, बैक थ्री वाला सिस्टम के साथ चावी खेल रहे थे। सैमुएल उमटीटी हैड अ वेरी गुड गेम मेरी नज़र में। जो ट्रेनिंग्स में रिपोर्ट्स नज़र आ रहे थे कि हाँ सैमुएल उमटीटी जो है वो ट्रेनिंग में इंप्रेस कर रहा है सबको, पिच में दिखा कल। ऑल दो देयर वेयर सम स्लॉपी पासिस बाय हिम टर्स्टेगन के लिए, बैक पासेस चल रहे थे वो बहुत स्लॉपी थे कई सारे, मतलब एक आध दो तीन तो थे जो आंखों में दिख रहे थे, बट दैट वॉज रस्ट यू नो वॉट ऑन हिज लेग्स, क्योंकि वो बहुत समय से नहीं खेला यार, तो वो तो देखने को मिलेगा ही हमको। बट ही वॉज गुड लॉन्गले के ऊपर तो भाई उमटीटी को जो है वो पिक करूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो उमटीटी इज लुकिंग गुड। जेराड पीके लुकिंग फिनिश, टू बी रियली ऑनेस्ट जेराड पीके थोड़े फिनिश नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स आर इमर्जिंग दैट जेराड पीके इज कंसिडरिंग टू रिटायर फ्रॉम दिस सीजन, ये सीजन के बाद वो रिटायर हो जाएंगे भाई साहब। और अगर चावी को लगता है कि हाँ आई नीड जेराड पीके, तो वो शायद बहुत कम वेजेस में बार्सिलोना के लिए खेलेंगे एक और सीजन, बट ये और इसके बाद वाला सीजन में भी लास्ट हो सकता है जेराड पीके का बार्सिलोना में। सो चेंजेस नज़र आएंगे हमको अगले और अगले सीजन में, से कोई डाउट नहीं है। बट सबसे बड़ा चेंज जो बार्सिलोना को लेना पड़ेगा वो है साइकोलॉजिकली। मैं देख पा रहा हूँ कि हम साइकोलॉजिकली स्ट्रगल कर रहे हैं। टैक्टिक्स आर वेरी गुड, कल के गेम में आप आपडे का गेम देखो, वन ऑफ द ब्यूटीफुलेस्ट गेम आई हैव एवर सीन। ऑसेसुना के डिफेंडर्स को वो नचवा दे रहा था भाई। आपडे वॉज ब्रिलियंट, गावी वॉज एक्सेप्शनल, दैट गाय इज नेवर टायर्ड मेरी नज़र में यार। वो अटैक कर रहा है, वो डिफेंड कर रहा है, बेचारा ऐसा लगता है कि वो उसका दिल बार्सिलोना के लिए खेलता है, समझ रहे हो। वो बच्चा मतलब फुटबॉल के लिए बहुत पैशनेट है, वो क्लब के लिए बहुत पैशनेट है, वो बस फुटबॉल नहीं खेलता है, उसका मन, उसका दिमाग, वो बहुत फुटबॉल के लिए वो बंदा जो है वो एकदम समर्पित है भाई साहब, दिल से खेलता है, वो नज़र आती है बिल्कुल। गावी की बात हो गई, नीको की बारे में बात करना चाहूँगा। नीको की तरफ से जो पहला गोल हुआ था, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना फ़ोन बजने लगता है, नीको के बारे में बात करूँगा। नीको की फिजिकलिटी बहुत अच्छी है, फिजिकलिटी के साथ साथ ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो अटैक और डिफेंड दोनों कर लेता है, तो बहुत वर्सेटाइल है ये। प्लस दी गोल विच ही स्कोर्ड शोड हिज फिनिशिंग स्किल्स एज वेल, बहुत ही पैरा फिनिश था। एंड सरप्राइजिंगली जैसे ही हम गोल मारते हैं हम कंसीड कर लेते हैं, 1-1 हो जाती है, एंड देन एक और गोल पड़ता तो है आपडे की तरफ से, बट एट दी एंड देखो तुम 85th मिनट में हम गोल कंसीड भी कर लेते हैं। द गेम वॉज लुकिंग गुड यार, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ बार्सिलोना निकाल के ले जाएगी। एक गोल मारने के बाद, मतलब एक गोल कंसीड करने के बाद, जब 1-1 स्कोर चल रहा था तो भी लग रहा था कि हाँ हम मार लेंगे गोल, हम मार लेंगे, कहीं देखना गोल तो आएगा, गोल तो आएगा। एंड
आया गोल आपडे की तरफ से, ब्यूटीफुल स्ट्राइक फ्रॉम आपडे, वन ऑफ द फ्यूचर स्टार ऑफ एफसी बार्सिलोना मैं कह सकता हूँ। आपडे, फाटी एंड एर्लिंग हालैंड आए हैं, मजा आ जाएगा अगर ये चीज़ हमको देखने को मिल जाएगी तो। उस्मान डेम्बेले को तो भगा दो, वो गंदा आदमी बहन, मतलब इंजर्ड तो नहीं हुआ है वो, बट स्टिल प्रिकॉशन के तौर पर उसको हटाया गया था, बट इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट आर कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल, जो नया प्रपोजल दिया जा रहा है, वो क्लब को छोड़ के भागना चाह रहा है। भाई भगाओ यार इसको, थक गया भाई मैं इस आदमी से, इंजर्ड वगैरह हो जाता है, गेम में कुछ देता नहीं है, कल के गेम में भी ठीक है, वो पेस है, वो पेनेट्रेशन है, वो ये है वो है, बट यार आप और तो कुछ दो, ना शॉट ले रहे हो ना कुछ कर रहे हो यार, आप मज़ा नहीं आया कल उस्मान डेम्बेले का गेम देख करके मुझको, तो एक वो भी चीज़ है। बाकी ऑफकोर्स यार टीम इज लुकिंग ठीक ठाक, आई वुड नॉट से कि बहुत अच्छा, साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इस टीम को एलिवेट करने का जो है वो जिम्मा है शावी के ऊपर। फ्रेंकी डियोंग साइकोलॉजिकली बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है मुझको, उसके अरे यार फ्रेंकी डियोंग की तरफ से आप पासेस मिसप्लेस होते हुए नज़र आओगे, ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फ्रेंकी डियोंग इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर जिसके पासेस आर लाइक थ्रेडेड नाइफ एंड बटर वाला कहानी होना चाहिए ना, बट वो हो नहीं रहा है। सो साइकोलॉजिकली येस बार्सिलोना इज स्ट्रगलिंग अलॉट, बार्सा फैंस आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग साइकोलॉजिकली, एंड दे आर यू नो वॉट ब्लेमिंग टर स्टेगन फॉर कोलासिफल ऑफ द डिफिट्स जो अभी बहुत सारे समय में हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो दैट वी शुड गो हैड एंड ओनली ब्लेम टर स्टेगन बिकॉज ही वॉज वन ऑफ आर बेस्टेस्ट प्लेयर्स पिछले कुछ सीजन में से। ऑल दो ऑफकोर्स आई डू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स ऑफ यू गाइज, बींग अ बार्सिलोना फैन माई सेल्फ आई एम ऑल्सो फेड अप ऑफ सीइंग टर स्टेगन नॉट इज चॉपिंग शॉट्स, बट टू बी रियली ऑनेस्ट एक डाउनफॉल आया है बंदे के फॉर्म में, वी नीड टू प्रोवाइड हिम सम कॉम्पिटिशन एंड वी नीड टू हैव अ गोल कीपर हु कैन टेक हिज साइड एज वेल, है ना। मतलब जिस दिन लग रहा है कि हाँ यार टर स्टेगन का मन नहीं है, दिख रहा है कि कुछ गेम हो सकता है, वी नीड अ गोल कीपर जो स्टेप अप करे उस जगह पे, बट वी डू नॉट हैव सच अ गोल कीपर, वी नीड टू साइन अ न्यू गोल कीपर, ये तो नो डाउट है, बट ऑफकोर्स मतलब नो ब्रेनर है, नो डाउट क्या होता है ये तो नो ब्रेनर है, बट स्टिल आई थिंक दैट वी शुड स्टे विद टर स्टेगन बिकॉज आई नो दैट गाय विल बी बैक, एंड जब वो वापस आएगा ना तो फिर सब देखते रह जाएंगे। गिव टर स्टेगन अ वेरी स्टेबल डिफेंस इन फ्रंट ऑफ हिम एंड यू विल सी द चेंज इन द परफॉर्मेंस ऑफ दैट गाय, साइकोलॉजिकली भी मेंटली, तो ऑफकोर्स साइकोलॉजिकली और मेंटली तो सेम ही चीज़ हो गई, बट ऑफकोर्स यार वो बस एक वो बात है ना यार, बेचारा गोल कीपर एक ऐसा पोजिशन है जहाँ पे अगर आपका फॉर्म डाउन फॉल होता है तो फिर सारी नजरें आपके ऊपर चले जाती हैं, एंड इट कैन हार्म द करियर ऑफ द गोलकीपर एज वेल, एंड आई होपफुली से दैट दिस डज नॉट हैपेंस विद टर स्टेगन यार, कम ऑन गाइस, मतलब थोड़ा सा तो साथ देना प्लेयर टर स्टेगन। एनीवेज, टिल द नेक्स्ट वीडियो, मैं शशि, थैंक यू, टेक केयर, पीस, विश कर बार्सा, जय।